इंदौर शहर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में एक महिला पर उसके पति ने प्राणघातक हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी कई सालों से अलग रहते थे। वही पति उसे अपने साथ में ले जाने के लिए उसे लेने आया था और इस दौरान यह घटना घटित हुई है। एडीसीपी जोन 4 के अभिनव विश्वकर्मा ने कहा है कि घटना चंद्रनगर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता का नाम परवीन खान है। पुलिस के अनुसार भैरू खान अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्से में आकर पति ने प्राणघातक हमला कर दिया है। घटना के समय मौजूद पीड़िता के परिवार ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 307 एवं अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। चंद्रनगर थाना क्षेत्र में जवाहर डिग्री के पास में एक महिला के द्वारा शिकायत करी गई थी कि वह अपने पति से अलग रह रही थी कुछ समय से विवाद के कारण में। और एक दिन अचानक उसका पति घर आता है और उससे साथ में रहने के लिए बात करता है, जिसके कारण उनका दोबारा विवाद होता है। विवाद के दौरान पति के द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसको घायल किया जाता है, जिसकी शिकायत पर से हमने मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, आगे बढ़ाने कार्रवाई की जा रही है।